हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम पैथोलॉजी का लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम एपोप्टोसिस कवर करेंगे। इससे पहले हमने नेक्रोसिस कवर करी थी कि इरिवर्सिबल इंजरी दो टाइप की होती है, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस हमने पढ़ा था कि सडन डेथ होती है, अनरेगुलेटेड होती है, तो आज हम एपोप्टोसिस पढ़ेंगे। एपोप्टोसिस क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है जो कैसे इंड्यूस होती है, टाइटली रेगुलेटेड सुसाइडल प्रोग्राम, जेनेटिकली सुसाइडल प्रोग्राम से ये सेल डेथ प्रोग्राम होती है। डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉलिंग ऑफ, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई जिसका अर्थ क्या होता है, फॉलिंग ऑफ होता है। और एपोप्टोसिस जिस भी ऑर्गेनिज्म पे स्टडी सबसे ज्यादा हुई उसे सी एलिगेंस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इट इन्वॉल्व सिंगल सेल डेथ, इसमें एक एक करके सेल की डेथ होती है, और जो नेक्रोसिस था उसमें कलेक्टिवली सेल की डेथ होती है। कॉजेस क्या हो सकते हैं? जो हमने नेक्रोसिस में पढ़ा था कि सिर्फ पैथोलॉजिकल कॉज हो सकता है, इसमें फिजियोलॉजिकल कॉज भी हो सकता है, जैसे कि रिमूवल ऑफ एक्सेस सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ फिंगर। जब हम एम्ब्रियो की स्टेज में होते हैं तो हमारी फिंगर सब जुड़ी हुई होती है, लेकिन जब हम डेवलप करते हैं तो सारी फिंगर्स हमारी अलग अलग होने लग जाती है, तो क्या होता है, जो उसके बीच के सेल है वो रिमूव होने लग जाते हैं, वो एपोप्टोसिस का एग्जाम्पल है। एलिमिनेशन ऑफ सेल्स आफ्टर विड्रॉइंग ऑफ हार्मोनल स्टिमुलाई, जब हार्मोन की जो स्टिमुलाई है वो हटा देते हैं तो जो सेल्स है वहां के एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियल शेडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब हमारे जो हार्मोन है उनका अल्टरेशन होती है, यानी उनकी इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट होती है, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है और एंडोमेट्रियल शेडिंग होती है। जब हटा देते हैं तो एंडोमेट्रियल शेडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। डेथ ऑफ हार्मफुल सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट, जो सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ये भी एपोप्टोसिस का एग्जांपल है। डेथ ऑफ सेल दैट हैव देयर ओन पर्पस, जो सेल का ओन पर्पस के लिए जो डेथ की जाती है वो भी एपोप्टोसिस का एग्जांपल है। अब अगला इसमें क्या आता है कि पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ सेल विद डैमेज्ड डीएनए, जो सेल का डीएनए डैमेज हो जाता है उस सेल को एलिमिनेट कर दिया जाता है। एलिमिनेशन ऑफ सेल विद एक्सेसिवली एक्युमुलेटेड मिसफोल्डेड प्रोटीन, जब जिस सेल का प्रोटीन मिसफोल्डेड होता है यानी जिसमें एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस आता है उस सेल को एलिमिनेट कर दिया जाता है, ये भी एपोप्टोसिस का एग्जांपल। जैसे कि CD4 और टी सेल्स कैंसर के सेल्स को एलिमिनेट करा जाता है। डेथ ऑफ सेल्स इन इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन होती है तब भी सेल की डेथ होती है, उसको भी एपोप्टोसिस के एग्जांपल में काउंट किया जाता है। जैसे डेथ ऑफ काउंसलमेंट बॉडी इन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी में काउंसलमेंट बॉडी का डेथ रिमूव करी जाती है। अगला आता है इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? सेल सिंक्रेज हो जाएगा, सेल जो सिकुड़ने लग जाएगा, सबसे इसका अर्लीस्ट फीचर है। क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएगा, ये इसका मोस्ट करेक्टिव फीचर, इसको पेरिफेरल एग्रीगेशन भी बोलते हैं, मतलब जो क्रोमेटिन है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, इंटैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट तो रहेगी लेकिन जो इन्फ्लामेशन उसमें एबसेंट रहेगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर ब्लेब्ड फॉर्म, ब्लेब्ड फॉर्म मतलब उसमें ऐसे ऐसे दाने से नजर आने लग जाएंगे, उसको क्या कहते हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं, जो कि डेंसली एसोफिलिक बॉडी होती है विद पेरिफेरल एग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिन, यानी जो पेरिफेरल पे एग्रीगेशन यानी ऐसे इकट्ठे होने लग जाता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लेब फॉर्मेशन उसे कहते हैं। ये सब इसकी मॉर्फोलॉजी की, जो एपोप्टोटिक सेल है वो देखने में कैसा लगेगा। अगला इसमें आता है इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इसकी तीन फेजेस में काम करती है। सबसे पहले आता है इनिशिएशन, एग्जीक्यूशन एंड रिमूवल ऑफ डेड सेल्स। एंजाइम मैकेनिज्म में दो यूज होते हैं, कैस्पेसिस एंड एंडोन्यूक्लियेसिस। कैस्पेस क्या होता है, कंटेन सिस्टीन और क्लीव्स नियर एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू, जो एस्पार्टिक एसिड होता है उस पे जाके ये क्लीव करती है। अगला दो टाइप के कैस्पेस होते हैं, इनिशिएटर और एग्जीक्यूशनर। इनिशिएटर कौन सा है, कैस्पेस 8, 9, 10 और एग्जीक्यूशनर कौन सा है, कैस्पेस 3, 6 और 7। एंडोन्यूक्लियस क्या हेल्प्स इन डीएनए ब्रेकडाउन, एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और कॉजेस स्टेप लैडर पैटर्न, क्या बनाता है, ऐसा एक पैटर्न बनाता है जिसमें स्टेप लैडर जैसा नजर आता है। अगला आता है फीचर्स इन फैक्टर्स इन एपोप्टोसिस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं एपोप्टोसिस जो करते हैं। सबसे पहले प्रोएपोप्टोटिक फैक्टर जिसमें बैक्स और बैक आता है, एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर होते हैं BCL2, BCL-XL और MCL फैमिली इसमें आती है, और रेगुलेटेड इनिशिएटर जो इसको रेगुलेट करके इनिशिएट करते हैं वो होते हैं बिम, बेट, बैट, प्यूमा और नॉक्सा, इसके फैक्टर है। ये सब आके इनका सबका रोल हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या आता है, इनिशिएशन। इनिशिएशन दो तरीके से होती है एपोप्टोसिस की, एक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे से और एक डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड पाथवे से। माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे से कैसी होती है, ये 90% अक्रेंस इसी पाथवे से इनिशिएशन की जाती है। और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनली इफेक्टेड कौन सी होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एपोप्टोसिस में सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। इसमें क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम सी है वो बाहर आ जाता है, इसमें हम पढ़ेंगे कैसे बाहर आता है। If cytochrome C comes out of mitochondrial cytoplasm, it result in apoptosis. जैसे मैंने अभी बताया कि cytochrome C जब mitochondria से बाहर आ जाता है तो apoptosis नजर आती है। अब कैसे आती है, normal cell में क्या होता है, permeability जो होती है outer membrane की वो BCL2 family पे protein पे depend करती है, यानी BCL2, BACLX और MCL।
तो ये क्या करते हैं, जो BCL2 फैमिली है ये आउटर मेम्ब्रेन को मेंटेन रखती है, जिसकी वजह से साइटोक्रोम सी बाहर नहीं आ पाता और कोई अपोप्टोसिस नहीं होती। लेकिन अगर DNA डैमेज होता है, रेडिएशन आती है, इन्फेक्शन आती है, तो जो प्रो अपोप्टोटिक इनिशिएटर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है, जो बैक्स और बैक है उनका ऑलिगोमराइजेशन होता है और फॉर्मेशन ऑफ बैक्स और बैक चैनल बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो परमेबिलिटी है उसकी जो मेम्ब्रेन है लूज हो जाती है, अपनी जो परमेबिलिटी उसको खत्म कर देती है, साइटोक्रोम सी बाहर आ जाता है। और साइटोक्रोम सी जब साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो APF1 के साथ मिलकर अपोप्टोसोम बनाता है। अपोप्टोसोम क्या करता है, अपोप्टोसिस करता है, जिसकी वजह से क्या है, Caspase-9 जो कि इनिशिएटर एंजाइम उसको एक्टिवेट करके, Caspase-367 एग्जीक्यूशन एंजाइम को एक्टिवेट करके अपोप्टोसिस एंड में करता है। बेसिकली जब साइटोक्रोम सी बाहर आ जाएगा तो अपोप्टोसिस हो जाएगी। दूसरा इनिशिएशन में क्या पाथवे था, डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड और यानी एक्सटेंसिव पाथवे। इसमें क्या होता है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो डेथ रिसेप्टर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तब ये वाला जो पाथवे एक्सटेंसिव पाथवे एक्टिव हो जाते हैं। और कौन कौन से रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हैं, TNFR1 और CD95। इसमें क्या होता है, जो पैसेल टी लिम्फोसाइट जो हमारा बॉडी में रहता है, उसके बाद जब पासेल एंजाइम आता है तो वो क्या करता है, उसको FAS के पास भेज देता है, जिसके पास होते हैं डेथ डोमेन। डेथ डोमेन उसको डिटेक्ट करके FADD के पास भेजता है, जो कि एक्टिव करता है प्रो Caspase-8 को, और Caspase-8 एक्टिव हो जाता है प्रो से। और Caspase-8 क्या है, इनिशियल Caspase है जो कि एग्जीक्यूशनर Caspase-367 को एक्ट करता है, और एट द एंड अपोप्टोसिस होती है। बेसिकली जो रिसेप्टर है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो इसमें रोल कर रहे हैं Caspase-8 और 367 को एक्टिवेट करने में। और लास्ट आता है रिमूवल ऑफ डेड सेल। डेड सेल को रिमूव कैसे करेंगे, अपोप्टोसिस में क्या हुआ, सेल डेथ हो गई, अब उनको रिमूव भी करता है वो फेगोसाइटोसिस की वजह से रिमूव करता है, उसे क्या कहते हैं, इफ्रोसाइटोसिस भी कहते हैं। अब क्या आता है, फैक्टर्स फेवरिंग फेगोसाइटोसिस, मतलब फेगोसाइटोसिस कौन कौन से फैक्टर जब रहेंगे तब होगी। सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ फॉस्फोडाइल सरीन, मतलब जो नॉर्मल सेल है उसके अंदर फॉस्फोडाइल सरीन होता है वो सेल के अंदर होता है, लेकिन जो अपोप्टोटिक सेल है उसमें जो फॉस्फोडाइल सरीन है वो बाहर आ जाता है आउटर मेम्ब्रेन में, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइल सरीन फिलिप कहते हैं। देन माइक्रोफेज आइडेंटिफाई एंड रिमूव इट, मतलब जब वो बाहर आ जाएगा तो माइक्रोफेज आइडेंटिफाई करके रिमूव कर देते हैं, मतलब इसकी फेगोसाइटोसिस हो जाती है। सिक्रीशन ऑफ सोल्यूबल फैक्टर, अब जो फेगोसाइटोसिस उसे सोल्यूबल भी करना है तो थ्रोम्बोस्पोंडिन रिलीज होकर उसे सोल्यूबल कर देता है। और नेचुरल एबंड प्रोटीन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इसका तीसरा पॉइंट है फेगोसाइटोसिस का, वो क्या करते हैं, एपोप्टोटिक बॉडी जो रिलीज हुई सेल के बाहर उसको कोट कर देते हैं, जिससे क्या है, फेगोसाइटोसिस तेजी से होती है, डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन उसकी हो सकती है। अगला आता है इसमें डायग्नोसिस की, उसकी डायग्नोसिस की जाएगी एपोप्टोसिस की, वो कैसे की जाएगी। सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस, हमने पहला था कि स्टेप लाइक लेडर बनाते हैं पैटर्न, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में ही बनता है। अगला आता है टनल टेक्निक, क्रोमेटिन कंडेंसेशन बाय स्टेनिंग, स्टेनिंग से करते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या, मार्कर एक्सिन 5 से हम करते हैं मार्किंग, क्योंकि ये फॉस्फोडाइल सरीन जो हमने पढ़ा था एपोप्टोटिक बॉडी के बाहर आ जाता है, उसके साथ बाइंड करके हमें बता देता है कि अपोप्टोसिस हुई है सेल में। डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल अपोप्टोसिस, जब अपोप्टोसिस अबनॉर्मल होगी तो कौन कौन से डिसऑर्डर होंगे, सबसे पहले क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है और ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है। अगर अपोप्टोसिस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, देयर विल कॉज एक्सेसिव लॉस ऑफ सेल, जब अपोप्टोसिस बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली सेल ज्यादा मरेंगे तो उनका लॉस भी ज्यादा होगा। न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज जाएगी, मतलब जो हमारी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है न्यूरल नर्वस सिस्टम से वो रिलीज हो जाएगी, जैसे अल्जाइमर्स, हंटिंगटन, पार्किंसन, और इस्केमिक इंजरी होगी यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और स्ट्रोक, हार्ट अटैक भी आ सकता है। और डेथ ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल यानी एड्स भी हो सकता है अगर एपोप्टोसिस ज्यादा हो जाएगी तो। थैंक यू गाइज, इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।